हे गाइस, चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का अल्फाबेट। ठीक है, तो चलिए ये कौन से क्लास के हैं? ये हैं एलकेजी। तो चलिए एलकेजी में चलते हैं। पहला लेसन माय इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए माय इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है, ए फॉर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहां से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। A फॉर क्या होता है, आंट। A फॉर क्या होता है, एप्पल। F फॉर एक्स। F फॉर एरोप्लेन। B फॉर क्या होता है बच्चों, बुक। बुक। B फॉर क्या होता है, बॉय। B फॉर बैट। B फॉर बॉल। C फॉर कैमल। C फॉर कार। C फॉर करोट। इसी तरह D फॉर डॉग। D फॉर डॉग। D फॉर डियर। D फॉर ड्रम। ये सब क्या है, अल्फाबेट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको घर पे अच्छे तरीके से दोहराइएगा, मम्मी पापा के साथ बैठ के मम्मी पापा को बोलिएगा कि आप मम्मी पापा मुझे ये सिखाओ, दोहराओ और याद करवाओ। ठीक है, जे ओ के यार जो का। इसी तरह आपको इसको अपने घर में अच्छे तरीके से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक आपको पढ़ाने हैं। और ये फिर देखिए और फिर इसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आप लोग ये खुद घर पे भी कर सकते हैं। मम्मी पापा जो रहेंगे उनसे बोलिए कि हाँ मम्मी मेरे को ये पढ़ाओ और अच्छे तरीके से सिखाओ। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। डी फॉर डियर। ई फॉर ईगल। ई फॉर एलिफेंट। तो इसका मीनिंग याद करना है आपको। ए फॉर आंट, तो ए एन टी आंट। आंट मीन्स चीटी। ए डबल पी एल ई एप्पल मीन्स सेव। ए ई आर ओ पी एल एन ई एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। ए एक्स ई एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। इसी तरह आपको ये सब बनाने हैं। ठीक है, याद करने और कॉपी में भी लिखने की कोशिश करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको जेड तक अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सेकंड लेसन देखिए रीड एंड राइट है, तो आपको ए बी सी डी जैसे लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर इसको बोलते हैं, स्मॉल लेटर इसको बोलते हैं। तो आप लोग कॉपी में इसको लिख के और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह ये भी है, फोनिक साउंड ऑफ ए। ए का हैट। हैट में ए का साउंड निकलता है। वाहन में ए का साउंड निकलता है। रैट में भी ए का साउंड निकलता है। उसी तरह मैन, सैट, कैट, मैप, कैप, लैप, बैट, टैप, कैट। इसी तरह ये सबको आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से और कॉपी में क्या करने हैं, नोट करने हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग थ्री लेसन तक अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर उसे याद कीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। और हाँ, आप लोग की राइटिंग की जो बुक मिली है, ये दोनों जैसे आप लोग की राइटिंग की जो बुक मिली है, इसको आप लोग घर में डेली एक एक लेसन, एक एक चैप्टर, एक एक पेज डेली आप लोग इसको बनाइएगा। ये राइटिंग की बुक है और आपकी ये राइटिंग की बुक है, ये सब क्या कीजिएगा, आप लोग घर में बैठ के आराम से बनाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आपकी इंग्लिश की ये चैप्टर खत्म होती है। अब चलिए स्टूडेंट्स शब्दकोश पे चलते हैं। शब्द ज्ञान क्या है, आपकी एलकेजी की ये हिंदी की बुक है। तो फर्स्ट लेसन आपका है वर्णमाला। तो वर्णमाला में स्वर ज्ञान होते हैं। वर्णमाला देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं, ये आपको पता है। तो अ फॉर अनार, आ फॉर आम, ई फॉर इमली, ई फॉर इमारत, ई फॉर ईख, ई फॉर ईट। इसी तरह हमको इसको ए उ फॉर उल्लू, उ फॉर ऊन, री फॉर ऋषि, ए फॉर एड़ी, ए फॉर ओखली, ओ फॉर औरत, सॉरी ओ फॉर ओखली, अ फॉर औरत या औषधि, अन फॉर अंगूर या अंडा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग इसको याद कीजिएगा। अन फॉर कुछ भी नहीं, इसी तरह आप लोग इसको दोहराइएगा और याद कीजिएगा और यहाँ चिन्ह पहचानिएगा और फिर उसको मिलाइएगा। ठीक है, जैसे कि ओ फॉर ओखली होता है, ओ फॉर ए क्या क्या गया, ई फॉर ईक होता है, तो यहां पर मिलेगा। इसी तरह आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते चित्र पहचान कर उसके नाम का पहला स्वर लिखें। ये कौन सा है, एड़ी है, तो यहाँ पर लिखना अंगूर है, तो अंगूर का पहला अक्षर क्या होता है, अंग। यहाँ पर आलू तो आ, ऊन तो ऊ। इसी तरह आप लोग गाय तो ग, औरत तो ओ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए व्यंजन ज्ञान चलते हैं। व्यंजन कहते हैं किसको, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न। ठीक है, प फ ब त थ द ध न प फ व भ म। इसी तरह
तलब समुदंस दंस ह छत्र ज्ञा। इसी तरह हमको डढ़ इसी तरह हमको इसको दोहराने हैं और बोलने हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चित्र पहचानकर सही वर्णों का गोला खींचिए, इसको चित्र पहचानिए और सही को पर गोला खींचिए। ये जैसे हो गया लपट, तो लपट का लपट, तो देखिए यहाँ पर ट से टमाटर होता है ना, तो ट पर गोला कर दीजिएगा। यहाँ पर ढ से ढोलक होता है, तो ढ पे गोला कीजिएगा। इसी तरह ये है ज फॉर जग होता है, तो ज से गोला कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पहचान के, छ फॉर क्षत्रिय, तो छ से कीजिएगा। यहाँ पर चित्र पहचान का प्रथम वर्ण लिखिए, यहाँ पर चित्र पहचानिए और लिखिए। ज फॉर जहाज, तो ज, स, झंडा से झ, टमाटर ट, त्रिशूल त्र, छ छत्री। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसको बना लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आ आ ई लिखना है आपको, जो बताया गया था एनसी क्लास में, आ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अन और आ, और इसमें आपको क ख ग घ लिखना है। ठीक है, तो इतना आप लोग आराम से घर में बैठ के बनाइएगा। ठीक है, बाकी आप लोग ये सब देख लीजिएगा, बनेगा तो बनाइएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। चलिए देखिए, चलते हैं हम लोग एलकेजी की मैथ्स की ओर। फर्स्ट लेसन है प्री नंबर कॉन्सेप्ट, बिग एंड स्मॉल। तो देखिए बिग मिस क्या होता है बच्चों, बड़ा। बिग मिस तो हाथी बड़ा होता है। स्मॉल मिस क्या होता है, छोटा, तो खरगोश छोटा होता है। लॉन्ग मिस क्या होता है, लंबा। शॉर्ट मिस क्या होता है, छोटा। बिग मिस बड़ा, स्मॉल मिस छोटा, लॉन्ग मिस लंबा, शॉर्ट मिस छोटा। तो इसी तरह आपको यहाँ तक क्या करने हैं, रिमेम्बर करने हैं। ठीक है, और यहाँ आपको टिक लगाना है, टिक द बिग, जो बड़ा है उसमें टिक लगाना है और जो छोटा है उसमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है। ठीक है, कटकुट लगाना, जो बड़ा है उसमें टिक लगाने हैं इस तरह से, जो छोटा है उसमें क्रॉस लगाने हैं। इसी तरह आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। बिगेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो इसी तरह ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। इसी तरह ये सबसे लंबा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसी तरह ये सबसे टॉलेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा। टॉलेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे लंबा। चलिए इसी तरह इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो हॉर्स है, तो हॉर्स में टिक लगाने हैं। सबसे छोटा कौन है, तो कैट है, तो कैट में क्रॉस लगाने हैं। इसी तरह आप लोग इसको बना लीजिएगा। नंबर अप टू 20, देखिए इसको नंबर को काउंट कीजिएगा और इसको लिखिएगा। जैसे एक हो गया, इधर देखिए इसमें कितने हैं, तो एक दो तीन चार पांच है, तो पांच में गोला लगा देना है। इसमें तीन है, तो तीन में लगाना है। इसमें कितने हैं, चार हैं, तो चार में लगाना है। इसमें कितने हैं स्टूडेंट्स, तो तीन तीन छह दो आठ हैं, तो आठ में गोले लगाने। इस तरह इसको यहाँ तक बना लेने हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए इसको 1 से 15 तक लिखा हुआ है और 16 to 20। ठीक है, तो आपको इसमें फिर काउंट करने हैं। इसमें राइट द नंबर नेम लिखना है, 16 to 20 नंबर्स हैं। ठीक है, राइट द नंबर्स फ्रॉम 16 to 20 इन द बॉक्सेस। यहाँ पर देखिए नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसी तरह आपको इसको बनाने हैं। 16 हुआ ना, 16 के बाद लिखिएगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसी तरह 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। इसी तरह आपको 19 के बाद 20 21 22 23 इसी तरह आपको इसको भर लेने हैं। और इसमें देखिए इसमें काउंट करना है कितने हैं, उसके बाद गोला लगाना है। जैसे 3 3 6 7 8 9 10 11, इसमें क्या लगाने हैं, गोले लगा देने हैं। 18 17 है, तो 17 में गोले लगाने हैं। फिर आपको गिन के इसमें गोला लगाना है। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ तक इसको बना लीजिएगा। ओके, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। नंबर एंड न्यूमरेशन, द एलिफेंट डॉग एंड रैबिट आर बेस्ट फ्रेंड, द एलिफेंट इज बिफोर द डॉग। देखिए
एलिफेंट किससे पहले है? डॉग से पहले एलिफेंट है, डॉग के बाद कौन है? रैबिट। तो डॉग सबसे बीच में कौन है? डॉग है। डॉग के पहले कौन है? एलिफेंट है। एलिफेंट डॉग के पीछे कौन है? रैबिट है। तो इसी तरह देखिए, 15 का बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। आफ्टर मीन्स बाद में। तो बिफोर, 15 का पहले कौन है? तो 14 यहाँ पे लिखाएगा। 14 का पहले कौन है? तो 13 लिखाएगा। इसी तरह आप लोग इसको बना लीजिएगा।